शौर्य भारत ने अपने स्थापना दिवस के पूरे 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसी शुभ अवसर पर शौर्य भारत आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन डे ऑफर, यानी कि आपको मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो मिलता है केवल और केवल 6,999 रुपए में, स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से जो कि शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो आप ही सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बहुत ही जोरदार दमदार और करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का, तो इसके लिए शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करें और अपना क्रैश कोर्स परचेज करें, अभी देर ना करें। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू शौर्य भारत ऐप, चैलेंज टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है सीरीज टेस्ट। कल सीरीज टेस्ट के अंदर हमने नंबर बेस सीरीज की थी, एक क्वेश्चन किया था हमने अल्फाबेट सीरीज का, आज अल्फाबेट सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों आ जाए और बेटा मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो बेटा क्वेश्चंस है सर आपके सामने, क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर देना है आज का पहला क्वेश्चन। नंबरिंग याद कर लेना बेटा, WTB TGD QHG नेक्स्ट फाइंड करो। नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग कर देते हैं। W आता है 23 पे, टी आता है 20 पे, बी आता है 2 पे, ये आता है 20 पे, ये 7 पे और ये 4 पे, ये 17, 8 एंड 7। स्टार्ट हो जाओ आंसर निकालना। लेते हैं बेटा सर, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल बढ़िया। एफ है, हेलो भाई, लो सर इंतजार करते हो सर कब गलत लिखें और कब सर कब बोलेंगे अरे सर जी गलती हो गई। हाँ कर दिया, अरे कर दिया भाई, कर दिया। NIK CD के अंदर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? चलो भाई बेटा देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। यहां से सर यहां आए 3 माइनस कर दिया, यहां से यहां गए फिर से 3 माइनस कर दिया, तो 17 में 3 माइनस करते हैं आता है बेटा 14, और 14 पे जो अल्फाबेट आता है वो आता है N। आपका आंसर N से स्टार्ट होगा, जो लोग D दिए थे बधाई हो, गलत है, बधाई हो बेटा। सीधा देखो फर्स्ट से फर्स्ट नंबर पे आना है, अब देखो सेकंड से सेकंड नंबर पे अल्फाबेट पे सर 6 से आए 7 पे, 7 से आए 8 पे, 8 से कहां हो गए बेटा 9 पे, और 9 पे आता है I, N के बाद I आना चाहिए। आगे देखो और क्या हो रहा है बेटा, लास्ट अल्फाबेट सर 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, पहले बेटा 2 ऐड हुआ, फिर सर 3 ऐड हुआ, अब बारी आएगी 4 की, 7 × 4 = 11, 11 पे आता है बेटा आपका K, N, I, K, ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली राइट आंसर, बी आएगा बेटा, सी तो नहीं आएगा। विराज राणा यू बेटा सिंपल है, फर्स्ट से फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट से फर्स्ट पे जाओ ना, -3 देखो पैटर्न, मैंने कल क्या कहा था बेटा, एक लॉजिक होना चाहिए, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, लॉजिक मिलेगा तो आंसर आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा।
तो -3 -3 -3 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 9 पैटर्न मिला। फिर हो रहा है बेटा 2 3 फिर 4 ऐड होगा, पैटर्न ढूंढो, पैटर्न मिलेगा, आंसर अपने आप मिलेगा, ऐसे नहीं आएगा आंसर, लॉजिक रूल बेटा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए जी एल पी एस, ए जी एल पी एस, आगे क्या आएगा? ए आता है 1 पे, ये 7 पे, 12 पे, 16 पे और 19 में। जरा करो, जरा देखो क्या हो रहा है। 1 3 2 5 9 पॉइंट में है बेटा, डायरेक्ट दे रखा है 1 3 2 5 9। चलो बेटा देखो, यहां से यहां है, निर्भय देखते हैं बेटा उस पर, यहां से यहां है 6 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। बेटा पैटर्न मिला, पैटर्न, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सर 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, अब कौन ऐड होगा बेटा? 2 ऐड होगा। अब कौन ऐड होगा? 2। 19 और 2 होता है 21, और 21 पे एक ही अल्फाबेट आता है जिसको हम कहते हैं यू। यू डब्ल्यू क्यों आ रहा है, डब्ल्यू क्यों आ रहा है? 6 5 4 3 2 डब्ल्यू क्यों आएगा बेटा? डब्ल्यू कैसे आ रहा है सबका? तुक्के मार रहे क्या सब? तुक्के मार रहे सबसे बताए, तुक्के क्यों मार रहे बेटा? यहां देखो बेटा, नंबर में लॉजिक मिलता है। 6 5 4 3 2 1 लॉजिक ही तो है। 21 पे यू आता है, तुम पता नहीं क्या 6 लेके आगे फिर से। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतनी गलतियां, ऐसे चलेगा हैं? ऐसे करोगे तुम? अब तो ए आ रहा है, सर लेके आ चुके हैं, ऊ आ रहा है ऊ आ रहा है भाई, आगे भाई। पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, ओओएस, एन क्यू आर, एम एस क्यू। बेटा पहले अल्फाबेट से पहले पे आना है, निर्भय कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा, रुक जाओ। अब बेटा देखो, नंबरिंग करोगे नंबरिंग से हो जाएगा, और ऐसे भी हो जाएगा। उल्टा देखो, M के बाद सर N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, P के पीछे O आता है, O के पीछे N आता है, N के पीछे M आता है। तो M के पीछे क्या आएगा बेटा? L। हमारा आंसर सर L से स्टार्ट होगा, हमारा आंसर L से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली एल से सब हो रहा है बेटा, बाकी नंबरिंग करते हैं। ये 13 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 17 है। बेटा दूसरे अल्फाबेट से दूसरे पे आओ, बस कुछ नहीं करना। 13 + 2 = 17 17 + 2 = 15 13 + 2 = 15 15 + 2 = 17 17 + 2 = 19 19 प्लस 2 होता है बेटा 21, और 21 पे आता है U। L के बाद U एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर A, अदावती केंद्र, अदावेत। बेटा C नहीं आएगा। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 19 प्लस 2 21 21 पे U आता है बेटा, V आपका 22 पे आता है। अभी तो पीछे क्या था? U आता 21 पे, सेकेंड अल्फाबेट में सेकेंड ऐड हो रहा है। नेत्रा बिल्कुल सही है बेटा, बेस्ट लॉजिक, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? हो भी गया। अब ये करो, ए वाई डी, आवड़ा कड़ा आवड़ा, बी वी एफ। सर नंबरिंग कर रहे हैं बेटा, आराम से आंसर दे दो, इतनी भी का जल्दबाजी है? थोड़ा सबर लो, थोड़ी सांस लो, फिर आंसर सॉल्व करो ना। 1 25 4 2 22 6 4 18 8 11 7 12
चलो भाई लगा दे मास्क। चलो भाई बेटा देखो, वन से आए टू पे सर वन ऐड किया, टू से आए फोर पे सर टू ऐड किया। तो बेटा पहले वन ऐड हुआ फिर टू ऐड हुआ, तो लॉजिकली तो अब क्या ऐड होगा, थ्री ऐड होगा। फोर में थ्री ऐड करते हैं आता है सेवन, सेवन पे आता है जी। सर क्या आगे फोर ऐड हो रहा है, करके देख लो बेटा, सेवन प्लस फोर 21, यानी मेरा आंसर जी से स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अभिभावक ए या डी दे रहा है तो सोचना ही मत बेटा, सोचना ही मत, सोचना भी मत, ए और डी हैव इन सेड इट। एक आनंद बताइयो गलत है भाई, वन ऐड हो रहा है तो फिर टू आया, तो दिमाग में क्या आएगा, सर वन के बाद टू आया, टू के बाद थ्री आएगा। क्रॉस चेक किया मैंने कि आगे फोर आ रहा है क्या, देखो सेवन प्लस फोर 11 आ रहा है, नंबर देखा करो ना बस। चलो आगे क्या चल रहा है बेटा, देखो दूसरे वाले में, यहां से यहां आए सर माइनस थ्री किया, यहां से यहां आए माइनस फोर किया, तो बेटा माइनस थ्री हो गया, थ्री के बाद माइनस फोर हो गया, फोर के बाद क्या करोगे, माइनस फाइव नहीं करोगे, 18 में से 5 माइनस करते हैं आता है बेटा 13, और 13 पे जो अक्षर आता है उसको हम कहते हैं M। हाँ भाई सी वालों मजे हो गए। हो गए मजे, सी आ रहा था इसका, निर्भय रुक जाओ बेटा, सब्र रखो। अरे भाई तुम प्लस माइनस क्यों गलत कर रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। प्लस माइनस गलत कर रहे हो बेटा, तीन माइनस हुआ चार हुआ तो सीधा तीन चार के बाद पांच आता है, वन प्लस हुआ टू के बाद थ्री आता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इतनी गलतियां करोगे तुम पेपर में, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, पेपर के अंदर कौन सा अलग से क्वेश्चन आते हैं, सी आई जी FLJIOM नंबर मैं करके दे रहा हूं, फिर भी गलती कर रहे हो तुम। 3, 9, 7, 6, 12, 10, 9, 15, 13 करो सॉल्व। थ्री में थ्री ऐड हुआ बेटा तो आया सिक्स, सिक्स में थ्री ऐड हुआ तो आया नाइन, नाइन में बेटा थ्री थ्री तो फिर से थ्री ऐड होगा, नाइन थ्री होता है ट्वेल्व, ट्वेल्व पे आता है एल, दो ऑप्शन तो गए काम से, सी डी तो गए काम से, सी डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। फिर बेटा देखो फिर से तीन ऐड हो रहा है, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, 12 प्लस 3 15, 15 में बेटा 3 ऐड करो, 15 और 3 होता है 18, 18 पे आता है बेटा आपके R, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। बेटा सब में 3 ऐड हो रहा है, सब में 3 ऐड हो रहा है, 3 3 की सीरीज चल रही है। आगे भी देखो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 पे क्या आता है P आता है, बी क्यों होगा बेटा, हाँ अच्छा बी भी तो कट गया, अरे पहले ही कट गया था बी, एलो बी तो पहले ही कट गया था, ये सही बताया किसने, बी तो पहले ही कट गया। और चलिए आगे ओ टी ई पी यू एफ पफ क्यू वी जे आर डब्ल्यू एच, हाय 15, 20, 5,
16, 21, 6. अरे ये तो लगातार चल रहे हैं। अल है पर्जी सवाल, पर्जी सवाल है, पर्जी सवाल है, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं बेटा। देखो ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद सर एस आएगा, ठीक है। 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, एस के बाद सर एक्स आएगा। ए और बी तो देना ही मत, ए बी सी डी आती है भाई। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आएगा आई, एस एक्स और आई, ऑप्शन नंबर डी। इससे सिंपल तो कोई मिलेगा ही नहीं, इसमें भी बच्चों के गलत आ रहे हैं, ए आ रहा आंसर। सीधी सीधी एबीसीडी बोलनी थी बेटा, सीधी सीधी एबीसीडी, ए बी सी डी। नाइस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेटा 2B। पहले देखो नंबर का काम खत्म करना है, पहले लॉजिक नंबर में ढूंढना, ठीक है बेटा, पहले नंबर देखो बाद में अल्फाबेट देखो। तो 2 के बाद 4 आया सर, 2 ऐड कर दिया, 4 के बाद ऐड 8 आया, 4 ऐड कर दिया, 8 के बाद 16 आया, 6 ऐड कर दिया। बेटा 2 ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऑड नंबर, इवन नंबर है बेटा सारे के सारे, 2 4 6 फिर क्या ऐड होगा बेटा 8, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, कौन सा बेटा 22। ऑप्शन में एक ही जगह आपको 22 मिलेगा, बताइए आंसर आ गया। अल्फा न्यूमेरिक बेटा, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट, एबीसीडी भी आ चुके हैं और नंबर भी आ चुके। हॉस्टल इज अवेलेबल बेटा, 6 के लिए हाल फिलहाल नहीं है, सैनिक स्कूल्स के लिए नहीं है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल है। नंबर में इवन ऐड बिल्कुल, पहले नंबर देखना बेटा, पहले नंबर A1 C3 F6। अरे ये तो नंबर है, A1 पे आता है, C3 पे आता है, F6 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है। नंबर का लॉजिक देखो बेटा, नंबर क्या ऐड हो रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस वाले क्वेश्चन ही होते हैं आम तुम्हारे, तो करो सॉल्व इसको। वन में टू ऐड किया तो थ्री, थ्री में थ्री ऐड किया तो सिक्स, सिक्स में फोर ऐड किया तो टेन, टेन में फाइव ऐड किया। बेटा टू ऐड हो गया, थ्री ऐड हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, फिफ्टीन में क्या ऐड करोगे, सिक्स, फिफ्टीन और सिक्स आता है 21, 21 पे ऊ आता है, कौन आता है, ऊ आता है 21 पे, यू 21 ध्रुव, बी नहीं आता गधे। पंद्रह छह 21 होता है, वी यू 21, सोनम बेटा टाइप गलत कर दिया, यू 21 है, वी 21 है। हां जी भाई, आगे के दो नंबर बताने हैं बेटा, C3 पे आता है, E5 पे आता है, G7 पे आता है, I9 पे आता है, आगे के दो बताने हैं, जरा कीजिए। A फॉर आटा, ए फॉर आटा, बी फॉर पाटा, सी फॉर चाटा, डी फॉर डाटा, बस हो गया, इतना ही था खाता।
बेटा ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं, तीन के बाद अगला ऑड नंबर आता है पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद बेटा ग्यारह आएगा, ग्यारह के बाद तेरह आएगा, इलेवन थर्टीन ऑप्शन कौन सा है? बी फॉर बाटा, ऑड नंबर की सीरीज। ये भी फर्जी है बेटा, बिल्कुल फर्जी है, हम तो खुद कह रहे हैं फर्जी है। पेपर बड़ा इजी आता है रीजनिंग का तो वैसे भी। नंबर वाले आगे बेटा, फिर से जल्दी से, प्लस टू हो रहा है। अरे अक्षत क्या बात है, बता दिया अक्षत ने। चलो भाई, सेवन प्लस थ्री टेन, टेन माइनस टू, बेटा पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, प्लस थ्री माइनस टू, सर फिर से प्लस थ्री हो रहा है फिर माइनस टू हो रहा है फिर क्या हो रहा है बेटा, प्लस थ्री, पैटर्न मिल गया भाई, इसको कहते हैं बेटा पैटर्न, बिना लॉजिक के आंसर नहीं देने का, लॉजिक मिला क्या हो रहा है, प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री बेटा आगे क्या होगा, माइनस टू, ट्वेल्व माइनस टू होता है टेन, आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्लस थ्री माइनस टू बी। पांच क्वेश्चन और, चैप्टर वा खत्म। बेटा ऑल्टरनेट भी कह सकते हो ना, ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक, सात के बाद एक छोड़ के आठ, एक छोड़ के नौ, एक छोड़ के क्या आएगा दस, ऑल्टरनेट सीरीज से बेटा आंसर सेम ही आएगा, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़कर एक। मयंक बेटा कल की क्लास देख लेना, मयंक चौहान बेटा कल की क्लास देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, डबल हो रहा है, डबल कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, ये अच्छी सीरीज है, इसका आंसर अच्छे से देना बेटा। देखो पहले मैंने देखा डबल हो गया, 14 का डबल यानी 14 इंटू टू कितना आता है 28, सर पहले तो इंटू हुआ फिर ससुरा माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर सर फिर से इंटू हो गया, तो फिर क्या हुआ बेटा, माइनस हो गया, तो सीरीज कौन सी है, पहले सर इंटू टू होता है फिर माइनस एट होता है, फिर इंटू टू होता है फिर माइनस एट होता है, तो यही तो था तुम्हारा लॉजिक, यही तो था तुम्हारा लॉजिक, फिर बेटा फिर से क्या हो गया, इंटू टू हो गया, डबल हो गया, फिर सर माइनस क्या क्या करोगे, एट माइनस एट करते आ जाएगा 56। बेटा पैटर्न ढूंढ लो, एक बार पैटर्न मिल गया ना सारे आंसर आ जाएंगे। ये अनिरुद्ध तो कौन सी भाषा में लिखा, ससुरे डी लिखा है, गलत है, 64 का डबल काय को किया, पहले माइनस होएगा फिर डबल होएगा, पहले माइनस होगा डबल कर दिए, पहले डबल कर दिए, बहुत बढ़िया, चरण कहाँ है तुम्हारे, पिक्चर सीरीज बेटा नॉन वर्बल के अंदर आएगी, नॉन वर्बल के अंदर, अभी तो वर्बल पढ़ रहे हैं ना ये, दिस इज कॉल्ड ए वर्बल रीजनिंग, अभी तो हम वर्बल पढ़ रहे हैं। अंजी वर्बल मतलब बेटा जो आप देख रहे हो ना ये वर्बल वाली है, ये जो दिख रहा है ना पिक्चर, नॉन वर्बल क्या होता है जहां फोटोज आएगी, इमेज आएगी,
वॉटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर कंप्लीशन, फिगर काउंटिंग, वो वाला होता नॉन वर्बल। बाकी जिसको पढ़ पढ़ के हाथों से सॉल्व करना पड़ता है ना, उसको कहते हैं वर्बल। ये रीजनिंग बेटा बोल के पढ़ी जाती है, मैं बोल रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है। नॉन वर्बल के अंदर बोलना कम पड़ता है, फोटो दिखती है, फोटो दिखती है। हाँ भाई लॉजिक क्या है इसके अंदर, पहले सर माइनस टू हुई गवा, फिर क्या हुई गवा माइनस फाइव, फिर माइनस टू, फिर माइनस फाइव। लो भाई पैटर्न मिल गया, माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू माइनस फाइव, फिर से बारी आएगी बेटा माइनस टू की। माइनस टू करना, फाइव मत कर देना। डी दे दिया ना कोई, किसी ने डी आंसर दिया ना तो देखना। अरे माइनस थ्री कहां से आ गया अनिरुद्ध, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, थ्री कहां आया गधे। यहां पोडियम पे मुर्गा बनाऊंगा कैमरे के सामने, फिर क्लास लूंगा, भले बच्चों को ना दिख रहा, मुर्गा बना के रखूंगा यहीं पे मैं। हां जी, जे के बाद 14, एल के बाद 16, बीच में गायब कर दिया है, पी के बाद 20, आर के बाद 22। पहले बेटा नंबर देख लो, नंबर वा देखो, नंबर वा। पेपर में नॉन वर्बल भी आती है बेटा, बिल्कुल आती है सर। यहां प्लस टू नंबर देख रहा हूं, सिर्फ नंबर देख रहा हूं, 20 प्लस टू मैंने देखा। यहां भी प्लस टू होगा, यहां भी प्लस टू हो रहा है, तो बेटा यहां आगे भी क्या करोगे, प्लस टू करोगे। 16 प्लस टू कितना आएगा, 18, फिर 18 प्लस टू कितना आया, 20। आंसर वो होगा जिसमें 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो बेटा ए तो गया काम से, डी भी गया काम से, या तो आंसर होगा सी या आंसर होगा बी। अब बात करते हैं अल्फाबेट की। बेटा अल्फाबेट अल्टरनेट चल रहे हैं, एक छोड़ के जे के बाद क्यू को खा गए, जे के बाद के को खा गए, के बाद एल आ गया, तो बेटा एल के बाद एम को खा जाओ, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद ओ को खा जाओ, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू खा गए, क्यू के बाद आर आ गया, आंसर आएगा N18। ऑल्टरनेट हम नेत्रा नेत्रा आईडी चेंज कर ली। ए और डी वाले तो नियाल हो गए। एवरी सैटरडे बेटा, सैटरडे इवनिंग से पूरा संडे आपका वीकली टेस्ट होता है लाइव। हर सैटरडे को क्लास से खत्म होने या दोपहर से स्टार्ट हो जाता है सैटरडे आफ्टरनून से, और आप संडे को पूरे दिन में कभी भी पेपर दे सकते हो, पूरे दिन में कभी भी, एज यू विश, एज यू विश। हाँ जी, ऊ 32, वो 29, बीच में खा गए, एक्स 23, फिर वाई 20। अरे ना आसान है, देखो बेटा ऊ के बाद वी, वी के बाद क्या आएगा, डब्लू, डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, वाई। मजे हो गए दो ऑप्शन के, मजे हो गए दो ऑप्शन के। एग्जैक्टली निर्भय, बिल्कुल बेटा ये लॉजिक रहता है। बी फॉर बाटा, नंबर का क्या लॉजिक है भाई, नंबर यहां देखा मैंने माइनस थ्री हुआ, यहां भी माइनस थ्री हुआ, तो आगे भी माइनस थ्री करेंगे। 29 माइनस 23 कितना होगा बेटा, 26, और फिर आगे भी माइनस थ्री हो रहा है। डब्ल्यू 26, ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाय, चैप्टर खत्म, कल करेंगे मैथ्स में एवरेज स्टार्ट, एवरेज। एफ टू आगे बीच में, डी 8, सी 16, बी 32। तो बेटा यहां देखो नंबर, देखो पहले नंबर 8 का डबल, ओ भाई ओके, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। सर नंबर डबल हो रहे हैं तो भाई 2 का डबल क्या होगा, 4, और 4 का डबल क्रॉस चेक करो क्या होगा, 8। आंसर वो आएगा जिसमें 4 होगा,
निर्भय भी ट्राई करते हैं बेटा, तुम्हारा वाला भी ट्राई करते हैं। आ जाओ भाई। बेटा देखो पीछे से देखो, सिंपल है बहुत। बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, आंसर आएगा ई फोर, आंसर आएगा ई फोर। बाय टाटा, जिसका हो गया हो गया। निर्भय का क्वेश्चन देख लो भाई, सारे बच्चे सॉल्व करो। क्वेश्चन था वन के बाद थ्री आया, फिर टू आया, फिर फाइव आया, फिर नाइन आया। निर्भय बेटा क्वेश्चन गलत हुआ ना ससुरा, तो देखना अब इसमें क्या लॉजिक चल रहा है तुम्हारे। निर्भय ऑप्शन है क्या बेटा? ऑप्शन देना एक बार, ऑप्शन देखना ऑप्शन। अरे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, निर्भय ऑप्शन भेजो फटाफट से बिट्टा, ऑप्शन भेजो। टू वन थ्री फोर, ऑल्टरनेट सीरीज तो लग नहा रही है हमको। सेवन, अरे ऑप्शन भेज दो एक बार, ट्राई तो करें है क्या ये बेटा। प्राइम नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। अरे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है तभी तो कह रहा ऑप्शन भेजो। अरे प्राइम वाला लॉजिक नहीं है, नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ना तो वन प्राइम है ना नाइन प्राइम है। अरे पहले बेटा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद डैब मारेंगे। बता ससुर तुमको पता है फिर काय का डाउट है? वन का डबल प्लस वन, थ्री का डबल। अरे हो गया हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, एक नंबर गड़बड़ी कर रहा है बस, थ्री का डबल नहीं हो रहा ना। वन प्लस टू प्लस वन, सेवन आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे हाँ भाई हाँ, ऑड नंबर कहाँ बेटा, टू कहाँ ऑड नंबर होता है, टू कहाँ ऑड नंबर होता है। निर्वय, निर्भय का लॉजिक देखो, निर्भय कह रहे हैं वन को करो थ्री से इंटू और कर दो माइनस वन तो आ गया टू। फिर बेटा टू से फाइव नहीं आ रहा, फिर ये कह रहे हैं टू को फाइव से इंटू कर दो और कर दो माइनस वन, तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा निर्भय, आगे क्या आएगा बेटा? वन टू से इंटू हो गया, टू फाइव से इंटू हो गया, नाइन को किससे इंटू करोगे निर्भय, आगे क्या करोगे बेटा, आगे क्या करोगे? बेटा लॉजिक नहीं है निर्भय, गलत है ये लॉजिक, रॉन्ग लॉजिक है। तुमको क्या पता नाइन के बाद कौन सा नंबर आएगा? चलो निर्भय एक बात बताओ बेटा, तुमने इन दोनों को इंटू किया, फिर तुमने इन दोनों को इंटू किया, अब तुम कह रहे हैं दोनों को इंटू कर दो, तो ऐसे कैसे इंटू कर दोगे भाई? जब वन इंटू थ्री हुआ, टू इंटू फाइव हुआ, तो नाइन तो किसी और नंबर से इंटू होना चाहिए, नाइन तो किसी और नंबर से इंटू होगा। निर्भय बेटा गलत लॉजिक है, निर्भय गलत है वो। बेटा ध्यान से देख लिया सर ने, वन इंटू थ्री किया है, टू इंटू फाइव किया है, तो नाइन को किस... अब देखो बेटा तुम्हारी गलती और बता देता हूं, इधर आओ इधर आओ तुम, इधर आओ इधर आओ, तुम मेरे को बता रहे, तुम्हारा लॉजिक तब सही होता जब वन इंटू थ्री करते और माइनस वन करते, फिर थ्री इंटू सिक्स माइनस वन, ये खा गए बेटा, टू इंटू थ्री माइनस वन, फाइव इंटू टू माइनस वन, अब आपका लॉजिक सही है। पहले गलत लिखा था, पहले लॉजिक गलत लिखा था, थ्री टू खाओ गए, हाँ थ्री टू को भी कहां किया, पहले कहां लिखा था। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, चलो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। बेटा लॉजिक है, मिल गया।
Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EdTech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities as a dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. Shaurya Bharat leke aaya apne foundation day ke upar 12 saal bemisaal offer. स्वर्ण भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। स्वर्ण भारत देखे अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए स्वर्ण भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार स्टूडेंट, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हो, आई थिंक 5 मिनट से आप लोग वेट कर रहे हो। तो बच्चे, हम लोग अपना ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशन जो है वहाँ तक हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस पढ़ा था। आज हम कुछ और जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया भाई। चलो ओके फाइन। सो बच्चों, अर्थ शेप पढ़ लिया, अर्थ स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ग्रेविटेशन और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, और दूसरा मास और वेट। और मास और वेट को लेकर हम लोग अलग अलग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन दोनों को और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बच्चा, तो क्लास को बिल्कुल भी देर नहीं करते, आज हमको ये चैप्टर खत्म करना है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके, तो इससे पहले मैं तुम लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में आगे बताऊं बेटा, मैं एक बार ग्रेविटेशन को ब्रीफ कर देती हूँ। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ये वो फोर्स है बेटा जो हमारी अर्थ हम पर लगाती है या किसी भी फ्री फॉलिंग चीज पर लगाएगी और उसको अपनी तरफ पुल करती है। क्योंकि ये एक तरह का पुल है, हम इसे ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। गुड, जब हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो ये जो ग्रेविटेशन है बेटा, इसका जो खोज हुआ था वो किया था सर आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने ही हमें कुछ यूनिवर्सल लॉज दिए जिन्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। गुड, इस ग्रेविटी की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसी ग्रेविटी की वजह से बेटा हम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हम आराम से जमीन के ऊपर सेटल है। हर चीज जो आप अपने आसपास में देखते हो वो सब चीजें जमीन पर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड, इसी ग्रेविटी की वजह से बेटा हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एटमोस्फेयर है। गुड, पानी जो है वो सरफेस पे है। अगर ग्रेविटी नहीं होती बेटा तो पानी कहाँ होता? ऊपर होता ही नहीं जमीन पर, और हो सकता है हमारा एटमोस्फेयर होता ही नहीं। तो अगर पानी और एटमोस्फेयर नहीं होता तो नेचुरल सी बात है हमारी लाइफ में नहीं होती। जब हम ग्रेविटी की बात करते बच्चा, तो ग्रेविटी सिर्फ हमारी अर्थ पर नहीं है। सन जो स्टार है, सन की अपनी एक ग्रेविटी है। हमारा मून जो एक सैटेलाइट है, मून की भी अपनी एक ग्रेविटी है। हमारी अर्थ के अलावा जितने भी बाकी प्लैनेट है बेटा, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी है। तो सन की ग्रेविटी की वजह से ये जितने भी हमारे प्लैनेट है वो उसके चारों तरफ एक फिक्स
ऑर्बिट, या हम ऐसा कह सकते हैं सिर्फ पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं. गुड, तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी का मास से बहुत ज्यादा लेना देना होता है. जो भी बड़ा है साइज के अंदर, जो जितना ज्यादा मैसिव है उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी. जैसे सन, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. हमसे बड़ा हमारा जुपिटर है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. बट क्योंकि हम अर्थ पर है बेटा, हम पर किसकी ग्रेविटी लगती है? हम पर लगती है हमारी अर्थ की ग्रेविटी. क्लियर हुआ? तो यहां तक मैंने आपको रिवाइज कर दिया है. आई होप अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो अब क्लास को शुरू कर सकते हैं. नाइट, अब हम देखते हैं बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. गुड, एक क्वेश्चन मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, मैम व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो प्यारे बच्चों, हम लोग कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है. हम ग्रेविटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब आप बोलोगे मैम पहले तो एक्सेलरेशन समझाओ कि एक्सेलरेशन क्या होता है. नाउ एक्सेलरेशन इज चेंज, ओहो, चेंज इन स्पीड या चेंज ऑफ स्पीड. ठीक है, अब बच्चों जो भी मैं चीजें समझा रही हूं वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्योर कॉन्सेप्ट है हमारी साइंस के. तो आपको पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाना होगा, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. नहीं तो 5 मिनट बाद में जब मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करके निकलूंगी, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे पूछेंगे मैम आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट. सो इसीलिए पूरा ध्यान मैम की आवाज और बोर्ड की तरफ रखो, 100% ये चीज समझ में आएगी. ओके, तो पहले मैंने बोला बच्चा एक्सीलरेशन का क्या मतलब है. सो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड. ठीक है, नाउ एक्सीलरेशन जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये जो स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, इसमें हमारी ग्रेविटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या ग्रेविटी की वजह से बेटा ये स्पीड कितनी ज्यादा हो रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. गुड, अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूं, तो हम उसके लिए आगे चलते हैं. ओके, सो बच्चा ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लो. हम बॉल ले लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी शब्द हो जाता है. तो बेटा ये मेरा एक बॉल है. गुड, अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये बॉल जो है वो हवा में फ्लोट कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा? फ्लोट कर रहा है. कर रहा है फ्लोट आराम से, मजे से फ्लोट कर रहा है. लेकिन जैसे ही ग्रेविटी आई है ना, तो क्या हुआ, ये नीचे आ गया ड्यू टू ग्रेविटी. गुड, तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि पहले तो ये फ्लोट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स आया ये एकदम से नीचे आ गया. तो ये जो इसकी स्पीड में चेंज आया है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. क्या समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो मैं इतने से कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाऊंगी. कि ये बॉल जब मैंने इसको छोड़ा है ना, हाथ में थी, मैंने इसे छोड़ा और बिना ग्रेविटी के तो यही घूम रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रेविटी आई एकदम से नीचे आ गया. दिस इज एक्सेलरेशन. ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, ये पेन तो मैं कुछ खराब कर दूंगी बेटा. ठीक है, तो मैं कोई एक अच्छा सा ना ऑब्जेक्ट लेकर आती हूँ, तुम 5 मिनट के लिए वेट करो, मैं अभी आती हूँ. ओके, चलो मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ. ओके चलो. ओके, सो पहले मैं पेन लगा दूँ. रेडी बच्चा? अभी ओके. देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास में ना एक बाम की डिब्बी है ना, ये देखो तुम, दिखाई दे रही है सबको? प्लीज यहाँ पर देखो. अनंत स्टॉप दिस, अभी रुको, ये बाद में डिस्कस करेंगे. तुम्हारा जो क्वेश्चन या जो भी है बाद में डिस्कस करेंगे. ये समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है सबको? देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ अभी बेटा मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये फ्री फ्लोइंग नहीं है ना,
फ्री फ्लोइंग नहीं है, मैंने पकड़ के रखा हुआ इसको, तो इसके ऊपर फोर्स है ना, मेरे हाथ का फोर्स है, तो ये यहां पर है, गुड। अब जैसे ही मैं अपने हाथ का फोर्स यहां से हटाती हूं, ठीक है, अब मैं अपने हाथ का फोर्स यहां से हटाती हूं, तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से कहां गया, नीचे चला गया। ओके, तो हमने यही बोला कि जो भी चीज फ्री फ्लोइंग होती है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, जैसे ही मैंने ये छोड़ा तो वो कहां जाएगा, नीचे, और जिस स्पीड से नीचे जाएगा बेटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अब आया समझ में, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। धन्य हो, समझ में आ गया। ओके बच्चा, ना अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे, कितना है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अभी मेरे हाथ में बेटा जो बाम था, बाम का था ना, मैंने जैसे ही बाम को छोड़ा और वो फ्री फ्लोइंग हो गया, वो किस स्पीड से नीचे गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ह्यूमन बॉडी में ग्रेविटी नहीं होती है, ह्यूमन बॉडी पर ग्रेविटी लगती है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वो एयर से लाइट है, लाइटर है बेटा, उसके अंदर जो गैस है वो एयर से हल्की है, इसलिए वो ऊपर जाता है। ओके, अब देखो ये जो वैल्यू है जी की, ये हर जगह अलग होती है बच्चे। हम जब मून पर जाएंगे तो वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होगा, जब हम मार्स पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर प्लैनेट की अपनी एक अलग ग्रेविटी होती है। आया समझ में, ओके। अब यहां हमारे अर्थ पर भी बेटा, अगर मैं एक अर्थ को ड्रॉ करूं ऐसे, है ना, ओके, तो अर्थ पर यहां पर इक्वेटर होता है, यह हमको सबको पता है। तो जी का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहां होता है, इक्वेटर पे, ठीक है, और जो मिनिमम है वो कहां होता है, पोल पर। ये याद रखना, ये दोनों पूछे जाते हैं। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो मैं अभी समझा रही हूं तुम लोगों को। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बेटा जिसकी काउंटिंग नहीं होती है, जिसको हम ऐसे मान सकते हो है ही नहीं, ना के बराबर। उस स्पीड से गिरा है, उस एक्सेलरेशन से गिरा है नेत्र, ये बेटा मैं एक्सेलरेशन समझा रही हूं तुमको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस स्पीड से, उस एक्सेलरेशन से नीचे गिरा है, जो भी फ्री फ्लोइंग होगा, अगर हम नीचे गिरेंगे तो हम भी इसी एक्सेलरेशन से गिरेंगे। हां, क्योंकि ये कॉमन है, ये जी है, ये अर्थ का ग्रेविटेशन है बेटा, समझे। पी मीन्स पोल्स, ई मीन्स इक्वेटर बेटा, तो मैक्सिमम कहां होता है, हमारा इक्वेटर पे मैक्सिमम, और जो मिनिमम जैसे हम लोग बोलते हैं, मिनिमम कितना होता है बेटा, हमारे पोल्स पर। ओके, चलो ये देखो, तो ये इक्वेटर पे बेटा, वो पोल्स पर है। हाँ हाँ, लिखो प्लीज लिखो, ये सब लिखना है। ओके, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। अब हम देखेंगे बेटा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, तो एस्केप का मतलब आपको पता चल गया होगा, एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, छूट जाना, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ आएगा, थोड़ा थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे बेटा, ये देखो मैं पॉइंट ए से शुरू करती हूं और यहां से निकलकर मैं पॉइंट बी पर पहुंचती हूं, तो ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया,
मतलब मैंने एक से लेकर बी तक हम लोगों ने चलाए, ठीक है, और मान लो ये है 10 किलोमीटर, गुड। अब ए से बी तक जाने में मुझे लगे तकरीबन 100 मिनट, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगी बेटा? तो वेलोसिटी में निकालूंगी 10/100, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.1। समझ में आया? डिस्प्ले पहले सिर्फ वेलोसिटी को समझो, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ए से बी तक गई, मुझे 10 किलोमीटर में पूरा मैंने डिस्प्लेस हुआ मेरा पोजीशन, और उसमें मुझे 100 मिनट लगे, तो मेरा वेलोसिटी कितना रहा होगा बेटा? 0.1। ठीक। अब ये वेलोसिटी जो है हमको कैसे निकालनी है? एस्केप कर देने की, छूट जाने की। तो यहां पर हम एस्केप वेलोसिटी को कैसे देखते हैं? ये वो वेलोसिटी है जिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकेंगे और वो दोबारा हमारी अर्थ पर नहीं आएगा, यानी वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यही हम बोलते हैं कि हमारी एस्केप वेलोसिटी है। गुड। तो बेटा अब देखो, यहां पर ये मेरे पास में पेन है ना। अब मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ टॉस किया, लेकिन इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये वापस नीचे आ गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब मैं इस पेन को कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से फेंकू कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और दोबारा कभी अर्थ पर ना आए, तो हम उसे क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 11 किलोमीटर चला जाए, एक सेकेंड में, मतलब ऐसे 11 किलोमीटर चला गया, ये उसकी वेलोसिटी, उसका स्पेस स्पीड होना चाहिए बेटा, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है? हमारी अर्थ की वेलोसिटी। और अगर हम मून पे होंगे तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इसको एक बार मैं और समझा देती हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग। मैंने यहां से कोई चीज फेंकी बेटा, यहां से कोई मैंने चीज फेंकी पॉइंट ए से, और मैंने इसको इतनी स्पीड से फेंका कि वो एक सेकंड के अंदर, ये एक सेकंड है पूरा, एक सेकंड के अंदर 11.5 किलोमीटर चला गया, तो वो 100% हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अगर मैंने ये पॉइंट ए से लेकर उसको फेंका और एक सेकंड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर ही गया, या मैं बोल रही हूं 100 मीटर ही गया, तो वो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे वापस नीचे आ जाएगा। लिखो मत ना, पहले समझो। लिखने की क्या जरूरत है जब समझ में ही नहीं आएगा तुमको कुछ। तो दिस इज एस्केप वेलोसिटी। अब तुम लोग लिख सकते हो इसको। ये इतनी दूर इसलिए जा सकता है सुमेधा क्योंकि ये उस स्पीड से जा रहा है, समझे? लाइक ऐसे शम करके ऐसे। ओके, लिख लिया अभी? चलो बच्चे, अब मैं तुमको एस्केप वेलोसिटी दिखाऊं। ओके, ये देखो, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ये हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये रॉकेट इतनी जोर से झुम करके बाहर निकल गया क्योंकि इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड इतना हाई था कि ये एकदम शौं करके हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। अभी मुझे एक बच्चे ने बोला था कि मैम पर रॉकेट तो ऊपर जाता है ना, तो मैंने कहा था रुको, अब तुमको पता चला रॉकेट क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बेटा बाहर आ गया है, वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी अथर, वो सबसे पहले मैंने वही समझाया था, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस स्पीड से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ए से बी जाने में बेटा।
आप किस स्पीड से जा रहे हो? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मास। तो मास क्या होता है? मास बिल्कुल सिंपल है बेटा, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब ये है, देखो ये मैंने एक लोहे का ब्लॉक लिया, ठीक है, तो ये क्या है? आयरन ब्लॉक। अब इस लोहे के ब्लॉक में कितना लोहा है तो मैं उसे क्या बोलूंगी कि ये मेरा मास है। गुड। अब आपने बोला कि भाई मैंने आपको एक सोने का पेन लाके दे दिया, गुड। तो आपने बोला अरे वाह सोने का पेन है, पर इस सोने के पेन में कितना सोना है? द अमाउंट ऑफ मैटर। और इसको हम लोग किस में निकालते हैं बेटा? किलोग्राम के अंदर। देखो अगर मैंने आपको बोला 100 किलोग्राम का, मैंने आपको एक 100 किलोग्राम का पेन थोड़ा बनाएंगे हम लोग, 100 किलोग्राम का क्या बना लेते हैं? एक नेकलेस बना ले। हाँ ये ठीक रहेगा, नेकलेस बना लिया। तो मैंने आपको क्या दिया? एक नेकलेस दिया गोल्ड का। तो आपने बोला गोल्ड का नेकलेस तो बढ़िया है, पर इसमें गोल्ड कितना है? तो मैंने आपको बोला इसमें गोल्ड कितना है? 100 किलोग्राम। तो वो क्या हो गया बेटा? उसका मास। समझे? नो, कभी ऐसा नहीं होता। एफ इज आयरन बेटा, आयरन होता है ना अपना, आप लोग क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन का सिंबल है बेटा एफी। हाँ मुझे लगा 100 किलो का पेन तो भारी हो जाएगा, 100 किलो का नेकलेस बना दिया। ओके तो हमने बोला 100 किलोग्राम, जैसे हम बोलते हैं ना अरे यार 10 किलो है 15 किलो है, तो वो 15 किलो क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। आपको मैंने बोला एक 15 किलो लोहा जो है बेटा उसका एक टेबल बना दिया। तो आपने बोला अच्छा टेबल है तो टेबल के अंदर लोहा कितना है? मैंने बोला 15 किलो। तो 15 किलो क्या हो गया बच्चे? उसका मास हो गया। और ये मास जो है हर जगह फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स रहता है बेटा, और इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती बेटा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और इसकी यूनिट क्या है? मतलब यूनिट का मतलब होता है बेटा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलोग्राम। फिक्स्ड एट ऑल प्लेस का मतलब होता है बेटा कि हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारी अर्थ पर हम कहीं पर भी चले जाएं, इवन हम अपनी अर्थ से कहीं और दूर चले जाएं, दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं, हमारा मास फिक्स रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। तो अगर आप इस 100 किलो के नेकलेस को चांद पर भी लेके जाओगे तो भी वो 100 किलोग्राम का ही रहेगा। स्केलर का मतलब ये होता है बेटा जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। 100 किलोग्राम है, अब किस डायरेक्शन में है? नहीं, 100 किलोग्राम है बस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। SI लिखूं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेटा ये वो यूनिट है बेटा जहां पर सब लोग, जिसको हम बोलते हैं उस यूनिट को जहां पर सब स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अगर आप यूएसए में जाके बोलोगे किलोग्राम, देन दे'ल अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट मास। तो दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसे इंटरनेशनली हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया है। हम भारत में, अमेरिका में, यूरोप में बनाई हुई यूनिट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। ये दिस इज अ मास बेटा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, अभी तो लिखवाया है सुमेधा, फिर उसके आगे क्यों पूछ रहे हो? यही तो मास ही तो बता रही हूं। ओके सार्थक समझो,
अच्छा पहले ये लिखो, फिर मैं सार्थक के जवाब सवाल का जवाब दूंगी। श्रेयांश तुम स्लाइड को बेटा थोड़ा सा पीछे करके देख लो, बिकॉज 15 मिनट से मैं जो समझा रही हूँ उसको मैं दोबारा आगे और 15 मिनट नहीं समझा सकती, मेरी पूरी क्लास 15 मिनट लेट हो जाएगी। ओके नहीं जी के में मैथ्स नहीं होते बेटा, तो ये तो मैथ्स का है, ये तो सीन से सिंपल सिंपल चीज है, और वैसे भी साइंस है बेटा। हाँ बिकॉज मुझे जो लगता है जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वाला है वो उसका ही मैं आंसर देती हूँ। बिकॉज आपका जो क्वेश्चन था कि मैम वो राउंड क्यों घूमता है, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा बेटा कि वो राउंड घूमेगा फिर सीधा जाएगा। That is why I answer only those questions, those are related with the topic going on. Okay, तो हमारा एक बच्चा है उसका, उसने मेरे को बोला मैम ओके देखो बेटा हम लोग पॉइंट ए से, मैं समझा देती हूँ तुमको सब चीजें, पॉइंट ए से बी तक गए, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, गुड। अब मैं तुमको जो मैंने तुमको समझाया ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि जो प्लेस है वो चेंज हो गया है, चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके अब देखो, मैंने ए से बी जाने के लिए अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर पर आवर, अगर तुमको पता होगा हम लोगों ने पढ़ा था, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 100 किलोमीटर का है, गुड। ये मेरी स्पीड है बेटा, क्या है बच्चे, ये मेरी स्पीड है। अब मेरी स्पीड क्या कह रही है, ध्यान से सुनो बच्चा, कि अगर मैं इस तरह से जिस तरह से चल रही इस स्पीड से चल रही हूं, तो मैं एक घंटे में 1 आवर में कितने किलोमीटर चलूंगी बेटा, 10 किलोमीटर, गुड। तो इस स्पीड से मुझे ए से बी जाने में कितने घंटे लगेंगे, 10 आवर। क्या ये बात मेरी समझ में आई है, दिस इज स्पीड। जसराज के अपन लोग अभी मून पर चले गए, हाँ तो रॉकेट का वेट ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी तो ज्यादा है ना, सारा खेल वेलोसिटी का है, वेट का नहीं है। तो बच्चे 100 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है और मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं इसी स्पीड से जाऊंगी तो मैं 10 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचूंगी, मैं 10 किलोमीटर पहुंचूंगी 10 घंटे में, सिंपल। ऐसे ही निकालते ना हम लोग माइल पर आर किलोमीटर पर आर, ये हमारी स्पीड है। समझ आया, तो दिस इज स्पीड बच्चा। अब मैंने आपको वेलोसिटी क्या समझाई बच्चे, कि यही मेरी ए से लेकर बी तक का 100 किलोमीटर है बेटा, है ना, लेकिन इसको तय करने में मैंने क्या बोला कि मुझे 20 घंटे लग गए, तो मेरा क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वेलोसिटी। क्लियर हुआ, ओके तो बच्चों व्हेनेवर वी से वेलोसिटी, इट इज ऑल अबाउट द स्पीड, है ना, इट इज नॉट कंसर्न विथ वेट, कि अगर मैम वेट ज्यादा है तो क्या हो गया, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा है बच्चा, है ना। अब मैं इस पेन को ऊपर फेंकती हूं, लेकिन हम लोग देखते हैं कई लोग जो शॉटपुट वगैरह होते हैं वो इतने बड़े बड़े जो गोले होते हैं उनको फेंक देते हैं, ओके सो अभी इस क्लास को बेटा हम लोग यही खत्म करते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट मेरे पास में टॉपिक है वेट, वो अभी कुछ मिनट में खत्म नहीं होगा, तो हम लोग कल वेट को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, एंड देन हम कंपेयर करेंगे वेट को मास के साथ में, ठीक है,
चलो तो इस टॉपिक को हम लोग कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities as a dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया. अब उनके मन में एक डर सता रहा है. एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे. मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं. अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है. हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन है. शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर. शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है. इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है. शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिडिल स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में. तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित. जय हिंद, जय भारत. रहा था हमारा, क्या चल रहा था, एडजेक्टिव्स. गॉट इट. एडजेक्टिव्स हम लोग कर रहे थे. एडजेक्टिव्स में स्पेशली क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने पहले बहुत सारे टाइप्स देखे थे, नंबर्स देखे थे, क्वांटिटी देखी थी, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर और कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना. और हाँ, और हम लोगों ने क्या क्या दिया था, आई एम गुड, हाउ आर यू बेटा, और हम लोगों ने क्या कहा, थैंक यू सो मच, और आज ख़त्म करेंगे चमचे को, बिल्कुल ख़त्म करेंगे. साथ साथ में क्या क्या प्रॉपर एडजेक्टिव्स हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी देखा, एम्फेसाइजिंग देखा, है ना, और पजेसिव एडजेक्टिव्स देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव देखा, ठीक है ना, क्वालिटी में देखा. तो इतने सारे एडजेक्टिव्स के, उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने उसके डिग्रीज को पढ़ा, है ना. तो उसके पास कितनी, 3 डिग्री है एडजेक्टिव के पास, 3 डिग्रीज है. कितना पढ़ा लिखा आदमी के उसके पास 3 डिग्री है. वाह भाई वाह, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. तो हमने देखा था कि जब बात होती है किसकी, जब बात होती है पॉजिटिव की, तो हम इसको यूज करते हैं किस सेंस में, नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं हमेशा से, ठीक है ना. जो भी एडजेक्टिव वर्ड है उसको सिंपल यूज में लेते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं दो के बीच में, तब हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, मोर वर्ड यूज करते हैं या ईआर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना. और अगर हम याद यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें हमें ध्यान होता है कि हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे और एसटी वर्ड जो, या फिर जिसके लास्ट में एसटी आ रहा है या मोस्ट वर्ड आता है हम अक्सर, या लीस्ट वर्ड होता है उसके साथ में ज्यादा यूज करते हैं, और सबसे हाईएस्ट वो चीज दिखाता है. और कई सारे फिर यूसेज देखे थे किसके साथ में कैसा यूसेज होता है, तो ये बात हो जाती है. अब बात क्या आ जाती है, अब बात आ जाती है, हाँ,
हाँ सर, मीनिंग ऑफ हकुना मटाटा इज अपने पास आसपास रहो. हाँ चलो हो रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आगे भी पढ़ना होगा ना, इसलिए फटाफट लाइक भी करो क्लास को. अब आते हैं हम लोग बाकी और यूसेज की तरफ, जो और यूसेज हमारे को रूल्स पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत थोड़े से रूल्स और आ जाते हैं, फिर एट द एंड हम थोड़े से क्वेश्चंस के साथ साथ में करेंगे. हाँ सेंटेंस करेंगे बेटा, थोड़े दिन बाद में कर लेंगे. सेंटेंस तो आप लोगों को आते ही हैं, आपने पहले भी तो कर रखे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हमें सेंटेंस कब करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ बिग डील कि सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस कर लेंगे हम लोग उसके बाद में, ठीक है ना. तो अभी हम इसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना. हाँ जब हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तब हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना. तो ये चीज़ें हैं. और क्या बता रहा था मैं कि कुछ रूल्स बाकी हैं, वो रूल्स कर लेते हैं हम लोग, कैसे यूसेज करना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ में हमारा ये हो जाएगा ओवर. और जब हमारा वापस सैटरडे आएगा, देखो आज मंडे आया तो भी सर कहोगे कि सर बातें करें सैटरडे की, तब हम एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. और अगर हमने थोड़ा बहुत टेंस जितना भी करा होगा उसके क्वेश्चन आंसर कुछ उठा लेंगे, नाउन प्रोनाउन तो है ही. तो आने वाले सैटरडे के अंदर तैयारी रखना कि हम लोग ये सारे वाले वापस चैप्टर्स को कवर करने वाले. यूं मत कह देना कि सर हम तो भूल गए थे, ये हो गया था. तो नाउन प्रोनाउन तो रहेंगे, साथ साथ में एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना. और अगर टेंसेस हम लोग करते हैं, अगर इन केस हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस वाले क्वेश्चंस लेंगे. अगर हम पास्ट टेंस भी स्टार्ट कर लेंगे तो शायद पास्ट टेंस भी ले लें, ठीक है. तो इस तरह से बिल्कुल कूल होकर रहना है. और क्लिक कर दो लाइक बटन पे, 50 हो गए और 33 लाइक से, भाई बाबा ऐसे कैसे चलेगा, जल्दी कर दो, ठीक है. हाँ अब हुआ फ्राइडे को, हाँ तो रूल 1, 2, 3 अब हुआ फ्राइडे को. हाँ फ्राइडे को हो गया था बेटा, तभी तो हम लेकर आ रहे हैं, तभी तो हम फिफ्थ रूल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ाई कर ली थी, अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि कौन सा रूल स्टार्ट करना है हम लोगों को, ठीक है. तो ये चीज़ें हो गई. हाँ टुमारो आई एम नॉट अटेंड माई क्लास टुमारो. बेटा टुमारो तो अभी आएगा, तब आराम से करते रहना. हाँ आपने आपने है ना डे बिफोर यस्टरडे नहीं करी होगी, सैटरडे की नहीं करी होगी, हाँ तो आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट लिया था. तो अभी जैसे हमने देखा था कि हमने पहले क्या देखा था, एज और एज हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना. सो और एज कर रहे थे, टू और टू कर रहे थे, ठीक है ना, और सो और दैट कर रहे थे. हमने सब के सबके बीच में क्या यूज किया था, हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया था, है ना. पॉजिटिव डिग्री पीडी लगाया था. ये सारी रूल्स याद है, रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था उसमें अलग अलग रूल्स थे. रूल नंबर 1 बताया था, याद नहीं हो तो वापस पुराना वीडियो देखो और एक बार वापस से पढ़ के आओ. अब रूल नंबर 5 भी देखो ऐसे ही बोल रहा है, अगर इक्वली और एज यूज हो रहा है ना तो वो साथ साथ में यूज नहीं होगा. इक्वली और एज एक सेंटेंस में साथ साथ में यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना. इसलिए एज बताया आपको याद दिलाने के लिए. तो रोहित इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज, तो ये एज और एज आपने लगाया, एज पवन, तो ये गलत है. इक्वली वर्ड साथ में नहीं आएगा एज के बाद में, एज आज से पहले इक्वली वर्ड नहीं आना चाहिए. एक बात हो गई. तो क्या होगा, रोहित इज एज इंटेलिजेंट एज पवन. और आपको ये ध्यान है यहां पर हमेशा क्या लगाते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. ये तो याद है आपको, उस दिन बताया था रूल नंबर 1 एज और एज में यूज करवाया था. तो ये याद करना है कि जब हम एज और एज का यूसेज कर रहे हैं तो उसमें इक्वली नहीं आएगा. इक्वली का मतलब भी बराबर होता है और एज और एज का मतलब भी क्या होता है, उसके जैसा, ठीक है ना. तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इक्वली वर्ड नहीं लगाएंगे. तो अगर इस तरह का कभी एरर आपको दिखता है कि कोई लिखा हो कि रोहित इज, या अगर हम करें है ना बुगाटी इज इक्वली एज फास्ट एज निंजा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना. क्योंकि हमें क्या देखना है, यहाँ पे इक्वली वर्ड नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज, बुगाटी इज एज फास्ट एज निंजा, ठीक है. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. हाँ साइमल्टेनियसली नहीं, साथ साथ, है ना, साथ साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ. गॉट इट, साथ साथ यूज नहीं होंगे भैया, साथ साथ यूज हो रहा है ना, इक्वली और आज साथ साथ यूज हो रहा है. तो ये जो साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ, इसका यूज नहीं किया जाएगा. गॉट इट, तो ये चीजें ध्यान रखनी है. हाँ वेरी गुड, ठीक है. तो ये बातें याद रखनी कि इक्वली और एज के साथ यूज नहीं करना है. एज और एज तो आपने रूल नंबर 1 में याद किया था, पढ़ा था, तो आपको पता था कि आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है. तो इतना डिफिकल्टी आती नहीं इसके अंदर. फिर क्या आता है, आउ वन ऑफ द, तो वन, अगर वन ऑफ द का यूज कर रहे हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, ठीक है ना. वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे. फिर प्लूरल नाउन, वन ऑफ द क्या बताता है कि आउट ऑफ मैनी, ये क्या बताता है, आउट ऑफ मैनी, ठीक है ना, इसलिए प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए यहां पे प्लूरल नाउन करेंगे. फिर बाद में आ रहा है इफ नॉट, नहीं तो, सुपरलेटिव डिग्री और सिंगुलर नाउन आएगा. जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गया और यहां क्या आया, प्लूरल नाउन आया. एज इफ नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आया,
यहाँ पे क्या आया, सिंगुलर, ये बता रहा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यूज होगा, जैसे हम लोग यूज करते हैं Bugatti is one of the fastest cars. तो मैंने क्या यूज करा, पहले तो सेंटेंस के स्टार्टिंग वाला पढ़ना, यहां तक पढ़ के देखो पहले मैंने क्या यूज करा यहां तक में, वन ऑफ द यानी कि बहुत ज्यादा, तो वन ऑफ द, तो Bugatti is one of the, सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, fastest है ना, प्लूरल नाउन cars. अब आपको आगे क्या ऐड करना है, if not ऐड कर लिया, फिर वापस सुपरलेटिव, इफ नॉट द फास्टेस्ट, कार इन दिस वर्ल्ड, गॉट इट, ये ध्यान रखना है आपको. जब हम वन ऑफ द का यूसेज करते हैं, वन ऑफ द का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों में से हमें चुनना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए प्लूरल नाउन लगता है, और इफ नॉट नहीं तो हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, गॉट इट, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को. हाँ, बनाओ कोई सेंटेंस, बनाएगा इस तरह का, ये फॉर्मूला लगा के कोई सेंटेंस बनाना चाहेगा, जैसे मैंने बनाया Bugatti को लेकर, ऐसा कोई सेंटेंस बनाएगा, आई एम एज इंटेलिजेंट एज अनिरुद्ध, सही है बेटा, हाँ, रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज महेश, सही है बेटा. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जांपल, बेटा कौन सा एग्जांपल वापस लिख के दो, मैं वहां लिख रहा था तो आई एम नॉट एबल टू सी कि आपने क्या लिखा, मैं यहाँ समझा रहा था ना, तो मेरे को नहीं पता आपने क्या कॉमेंट लिखा है, यू कैन राइट इट अगेन, वापस लिख के भेज सकते हो. कांट अंडरस्टैंड बेटा कौन सा चीज, ये वाला, ये क्या बता रहा है कि देखो वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, बहुत में से एक, तो जब हम वन ऑफ द यूज करेंगे तो हमें प्लूरल नाउन यूज करना है, एक चीज तो जा गई, बीच में हम क्या लगा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम एक और वापस यूज करते हैं, एश इज वन ऑफ द, है ना, मोस्ट ब्यूटिफुल, गर्ल्स, पहले क्या बताना है कि वन ऑफ द का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमें प्लूरल नाउन लगाना है, और साथ में हमारा क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है क्योंकि एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है. और अगर हम करेंगे इफ नॉट, अगर नहीं है, इफ नॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, है ना, इफ नॉट, अगर नहीं है तो, अब यहां आउट ऑफ मैनी बहुत से चुनाव तो नहीं हो रहा, इसलिए वो एकलौती के लिए बात कर रहे हैं, एक के लिए बात कर रहे हैं, ऑफ द गर्ल, है ना, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, गॉट इट, ये चीजें ध्यान रखनी है. इफ टू एडजेक्टिव आर यूज फॉर सेम नाउन, अगर हम दो एडजेक्टिव एक ही जने के लिए लगा रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें Bugatti के लिए, अगर बात करते हैं Bugatti इक्वल्स टू कर देता हूं मैं, है ना, फास्ट है Bugatti, और क्या है, और एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो Bugatti के लिए अगर मैं दो बात करता हूं कि Bugatti एक्सपेंसिव है और क्या है, फास्ट कार है, दो उसकी क्या है, दो उसके बारे में क्या आ रही है, दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा, बोथ आर जॉइंट बाय अ कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड और, कंजंक्शन क्या होते हैं, एंड और बिकॉज एक्सेट्रा, है ना, ये हम पढ़ेंगे भी कुछ दिनों बाद में, कंजंक्शन पढ़ेंगे. देन बोथ एडजेक्टिव मस्ट बी इन द सेम डिग्री, तो दोनों जब हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो हम एक ही डिग्री यूज करेंगे. क्या बोल रहा है ये, सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, कि जब हम एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अगर एक लड़का बदमाश भी है और ना पढ़ने वाला बच्चा भी है, ठीक है ना, या अगर कोई बच्ची अच्छी सुंदर भी है और पढ़ने में होशियार भी, इंटेलिजेंट भी और सुंदर भी है, दोनों बातें अगर एक ही जने के लिए करें, जैसे मैं कहूं कि ये पेन ब्लैक भी है और अच्छा भी लिखता है, तो दो क्वालिटीज आ रही है इस एक के लिए, तब हम उसकी जो डिग्रीज बनाएंगे वो एक ही डिग्री में रखेंगे, या तो पॉजिटिव डिग्री में, या कंपेरेटिव में, या सुपरलेटिव में, डिग्रीज अलग अलग नहीं करनी है. जैसे अगर मैं लिख दूं Bugatti is fast and most expensive, तो नहीं करना, अभी दोनों की डिग्री एक होनी चाहिए, Bugatti is fast and expensive, बस, ठीक है. अगर यहां पे मैं लगा रहा हूं
अगर यहां पे मैं सुपरलेटिव लगाऊं, बुगाटी इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, तब मैंने क्या लगाया, सुपरलेटिव डिग्री लगाई। बुगाटी एक ही नाउन है, एक ही चीज है, उसकी दो क्वालिटीज है, एक तो वो फास्ट भी और एक्सपेंसिव भी है। तो आप जब एक ही क्वालिटी को लगाओगे तो डिग्रीज, उस दोनों की डिग्रीज एक ही रखनी है, अलग अलग डिग्रीज मत कर देना, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है कि डिग्री आपको एक ही रखनी है। अगर आप यूज कर रहे हो पॉजिटिव डिग्री तो दूसरी वाली भी पॉजिटिव डिग्री, अगर आप सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करो दोनों में सुपरलेटिव डिग्री, दोनों में कंपेरेटिव करो तो दोनों में कंपेरेटिव। ऐसे नहीं कि एक को आपने सुपरलेटिव बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया, एक को कंपेरेटिव बना दिया, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें ध्यान रखनी है। विहर्ष इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड इंटेलिजेंट, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपने अनिरुद्ध, आपने कहा बेस्ट फ्रेंड भी हो गया, बेस्ट तो फिर अपने आप में एक सुपरलेटिव बात हो जाती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखनी है। बेस्ट का मतलब गुड फ्रेंड कर सकते हो, है ना। आप क्या लिखोगे अनिरुद्ध, विहर्ष इज माई गुड फ्रेंड एंड, हाँ विहर्ष, हाँ माई फ्रेंड इज गुड एंड इंटेलिजेंट, तो बेस्ट वर्ड तो फिर क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है। टेस्टी एंड कॉस्टली, है ना, हाँ पिज्जा इज टेस्टी एंड कॉस्टली। ठीक है, सॉफ्टेस्ट एंड द मोस्ट लाइट फाइबर, हाँ कॉटन इज द सॉफ्टेस्ट एंड मोस्ट लाइट फाइबर, ठीक है, वेरी गुड। शी इज स्वीट एंड ब्यूटिफुल, बिल्कुल सही है। माई स्कूल इज वेरी फेमस एंड ब्यूटिफुल, अब बेटा वेरी मत लगाओ फिर उसमें ना, माई स्कूल इज फेमस एंड ब्यूटिफुल, सिंपल बात, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये ध्यान रखो। हाँ ताजमहल इज फेमस एंड ब्यूटिफुल, अब लिख सकते हो ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड, है ना, हाँ राजनंदिनी स्मार्ट एंड, इसको जोड़ना भी तो है हमें, कंजंक्शन भी तो यूज करने, कंजंक्शन तो यूज करो, कंजंक्शन को क्यों भूल जाते हो, ठीक है ना। जैसे राम इज अ गुड एंड टॉल बॉय, तो दोनों डिग्रीज कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, एक ही बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, राम के लिए बात हो रही है। अगर हम कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो राम इज बेटर एंड टॉलर देन श्याम, तो दोनों बातें किसके लिए हो रही है, राम के लिए हो रही है, कि राम श्याम से लंबा भी है और अच्छा भी है, तो कंपेरेटिव हमने दोनों दोनों डिग्रीज कौन सी रखी, सीडी रखी, सीडी यानी कि कंपेरेटिव डिग्री रखी, गॉट इट। उसके बाद में क्या बात हो रही है, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय, तो राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट, तो बात किसकी हो रही है, राम की हो रही है, और ये हो रही है सुपरलेटिव डिग्रीज में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन यूज कर रहे हो, कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है ना, उनके लिए अगर आप यूज कर रहे हो पीडी तो पीडी ही करना है, कंपेरेटिव करोगे तो कंपेरेटिव ही रखना है, सुपरलेटिव लगाओगे तो सुपरलेटिव ही लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। यू नहीं कि एक पॉजिटिव डिग्री लगा दी तो एक कंपेरेटिव लगा दी या एक सुपरलेटिव लगा दी, नहीं। अगर आप कंपेयर कर रहे हो दो क्वालिटीज को एक ही नाउन के साथ में, एक ही प्रोनाउन के लिए, तो आपको एक ही डिग्री साथ में यूज करनी है। हाँ आई एम स्मार्ट एंड फनी, वेरी गुड। हाँ बुलेट ट्रेन इज द फास्टेस्ट एंड लग्जूरियस ट्रेन ऑफ जापान, ठीक है ना, लग्जूरियस, लग्जूरियस क्या, लग्जूरियस्ट होता है, ठीक है ना, हाँ या इज, हाँ इज मोस्ट लग्जरी, हाँ श्याम इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव बॉय, हाँ वेरी गुड, ऐसे यूज करना। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन दिस वे द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, पहले वाले से लगेगा, है ना, और नॉट विद द लैटर, लैटर का मतलब होता है पीछे वाला। तो आर्टिकल आप लगा रहे हो, आर्टिकल लगाया आपने, जैसे आर्टिकल क्या लगाया, जैसे बताया था आपने राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट, ठीक है ना, तो आपने आर्टिकल कहां लगाया, पहले वाले पे लगाया, पीछे वाले पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो तो फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि पहले वाले के आगे आपको आर्टिकल लगाना है, पीछे वाले के पर आर्टिकल का यूसेज नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ जैसे आप लोगों ने कईयों में करा होगा, इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल दिया था कुछ बच्चों ने, वो गया शायद, है ना, हाँ जैसे इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट, है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव कर लो तो आप करोगे इज द मोस्ट, नहीं सुमेधा गलत है बेटा,
रोहिन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इनोसेंट, ठीक है ना? तो फिर दोनों सुपरलेटिव डिग्री में रखो, ठीक है? तो ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव डिग्री होगी, इनोसेंट आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया मोस्ट इनोसेंट सुपरलेटिव डिग्री, तो गलत गड़बड़ कर दी, क्रॉस है ये, ठीक है? हाँ, आर्या इज गुड एंड स्मार्ट, हाँ नहीं बेटा अलीशा, अब आप कंपेयर कर रहे हो ना आर्या को हर्षिता के साथ में, तो इसको क्या लिखोगे, आर्या इज बेटर एंड स्मार्टर देन हर्षिता, ठीक है ना? अब यू आर कंपेयर, अब आप कंपेरेटिव डिग्री में हो बेटा, तो कंपेरिजन डालोगे ना, देन वर्ड आ गया तो आपको कैसे भूल सकते हो, ठीक है? हाँ, तो आर्या इज बेटर एंड स्मार्टर देन हर्षिता, ये करोगे। अश्मिता इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, अभी देखो नेत्रा गड़बड़ कर दी ना, नेत्रा अभी तो आपको समझाया मैंने कि आपको पीछे वाले के बाद में, पीछे वाले नाउन के जो एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ड उसके आगे आपको द आर्टिकल नहीं लगाना है, ये ध्यान रखो। विराट इज फिट एंड हैंडसम बॉय, बस इज अ नहीं, विराट इज हैंडसम एंड फिट बॉय, विराट इज हाँ इज मोर फिट है ना एंड मोर हैंडसम दैन रोहित, हाँ फिटर, वी आर गुड एंड इंटेलिजेंट, हाँ बी एमडब्ल्यू इज ब्यूटिफुल एंड नहीं बेटा आरव गलत है, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, दोनों या तो फिर ब्यूटिफुल एक्सपेंसिव, गलत ऐसे यूज नहीं करना है, बार बार ये तो कह रहा हूँ, माई हाउस इज ब्यूटिफुल एंड टॉलेस्ट, गलत है लक्ष्मी राजनंदिनी, आप ब्यूटिफुल पॉजिटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं यूज करना है। और मंजू रोहिला गलत बेटा, मीना इज हाँ अच्छा ठीक है, मीना इज द काइंड इज द बेस्ट एंड द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है हाँ सही है। वियश इज बेस्ट फ्रेंड एंड मोर, नहीं बेटा गलत है अनिरुद्रा, बेस्ट भी आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री और मोर आ रहा है कंपेरेटिव डिग्री, ये नहीं करना है। हाँ नहीं राजनंदिनी गलत है बेटा, मोस्ट ब्यूटिफुल और टॉलेस्ट है ना, ये यूज करना है। हाँ इज द फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रेन, हाँ ठीक है ये सही है युवराज आपका, भारत इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेन इन इंडिया, हाँ ठीक है, इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट नहीं हाँ एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ इंडिया, हाँ कार्तिक कर्णिक नायल सही है, हाँ ठीक है ठीक है, ही इज गुड बॉय, हाँ ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये यूज करना है। फिर बात क्या याद रखनी है, अगर आप एडजेक्टिव्स किसी यूज कर रहे हो ER EST डिग्री की या मोर और मोस्ट लगा रहे हो उसके बाद में, तो ER EST फॉर्म पहले आएगा, मोर और मोस्ट बाद में आएगा, ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने अभी करा, अभी कई लोगों ने गड़बड़ करी, जैसे अभी देखो ये लिखा हुआ है कई जगहों पर, हाँ तो इसको कैसे करोगे, हाँ कैसे यूज करोगे, जैसे कि बुगाटी इज है ना मोर फास्टर तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके डिग्री के अंदर ER EST फॉर्म आ रहा है तो वो पहले यूज होगा, मोर मोस्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बाद में होंगे। जैसे बुगाटी इज फास्टर, तो पहले हमने ER वाला लगाया फिर मोर वाला लगाया, मोर एक्सपेंसिव, बुगाटी इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, इसका ऑर्डर ध्यान रखना है ना, जैसे हम लोगों ने बार बार ऑर्डर ध्यान रखे, तो OCM ध्यान रखा था, बाकी चीजें ध्यान रखी थी, वही ऑर्डर आपको यहां पर भी ध्यान देना है, गॉट इट? हाँ इसके बारे में ध्यान देना है। हाँ बेटा, अब गोपीनाथ केंद्रे बेटा, ये मोर बिगर तो ऑलरेडी एक फॉर्म है ना, ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री, तो इसमें मोर वर्ड मत ऐड करो, आई एम बिगर देन रामेश्वर, बस मोर तो अभी क्यों जोड़ोगे, मोर जोड़ना सही नहीं है। हाँ ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले आप अगर यूज कर रहे हो तो ER EST वर्ड पहले आएगा, मोर मोस्ट वर्ड बाद में आएगा, ये याद रखना है आपको।
When the is used before some adjectives, they behave like plural common nouns. अगर जब हम किसी adjective word के आगे the article लगा देते हैं तो वो कैसे use का होता है, वो plural के तरह use होगा, common noun की तरह. जैसे अगर हम rich के आगे, poor के आगे, blind, injured, aged, needy, जरूरतमंद, ठीक है ना, dead, meek, है ना, कमजोर, विकेट, चालाक, इनके लिए जब यूज करते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं उन पूरी कैटेगरी के लिए. जैसे द रिच का मतलब हो गया रिच लोग, अमीर लोग. द ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधे लोग. द इंजर्ड का मतलब हो गया जिनको चोट लगी है वो लोग. द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, ठीक है ना. तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सारी कैटेगरी को बताता है. गॉट इट. तो ये अभी वर्ड क्या है, पुअर वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है ना. लेकिन आपने द पुअर लगा दिया तो वो क्या बता रहा है, वो पूरी कैटेगरी को, पूरी क्लास को बता रहा है एक साथ में, इतने सारे सब सब गरीब लोगों के लिए, सब अमीर लोगों के लिए, तब हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है. तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको. अब आ रहा है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनका यूसेज देख लो. अब मैं समझा रहा हूं आप लोग को, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. फिर आएगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों का यूसेज है ना, अगर देखा जाए तो सिक्स वर्ड्स हो गए, ठीक है. इन सबका यूसेज कैसे कर रहे हैं हम लोग. हाँ, तो क्या होगा, फ्यू का मतलब होता है इतना कम, जिसको जिसके कोई मतलब ही नहीं हो, जिसको कोई वैल्यू ही ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना. समथिंग बट ऑलमोस्ट ना, नहीं के बराबर के लिए यूज करते हैं और नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना. कि आई हैव फ्यू पेन, तो मेरे पास में पेन है लेकिन नहीं के बराबर है, ठीक है ना. आई हैव फ्यू, तो फ्यू पीपल, तो यानी कि इतने कम लोग थे जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने कम लोग थे. फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी कि बहुत कम लोग ही खुश रहते हैं, यानी कि कोई भी खुश नहीं रहता, ठीक है ना. तो फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम, इतना कम कि वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नहीं के बराबर में यूज होता है, ठीक है. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कि थोड़ा सा, यानी कि अब थोड़ा सा हमारे पास में है, गॉट इट, उसके लिए यूज करते हैं. समथिंग सम बट वेरी स्मॉल इन नंबर, बहुत कम नंबर में यूज करते हैं और इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. अ फ्यू पीपल, यानी कि पार्टी में देर वर अ फ्यू पीपल इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में कुछ लोग तो थे, ये हम यूज करते हैं अ फ्यू के लिए. ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, यानी कि उसने मुझसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे, पॉजिटिव में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस पूछे होंगे. जैसे सर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, है ना, सर हैव आस्क्ड मी, है ना, सर हैज आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, गॉट इट. तो इसलिए हम यूज करते हैं, गॉट इट, ये यूज करना है आपको. द रिच, हाँ बेटा, द रिच मैन नहीं लगाना, हमें एक साथ यूज करना, द रिच आर वेरी रूड, है ना. हाँ, ये चीजें लगानी है. मैन के साथ तो आपने मैन की क्वालिटी बता दी, अभी हम द रिच लगा रहे हैं तो उससे पता लग रहा है सिर्फ वो अपने आप में ही पूरी बात बता रहा है, उसमें जरूरत नहीं आ रही. हाँ, अब हाँ, द फ्यू नहीं, फ्यू पेन्स आर स्पॉइल, यानी कुछ भी खराब नहीं हुए, ठीक है ना. फ्यू पीपल आर नॉट रिच. हाँ हाँ, क्या बताया, क्या समझ में नहीं आया अथर्व, आप तो मैसेज करो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं, क्लास में ध्यान नहीं हो रहा. तो पहले क्या बताया मैंने आपको, तीन वर्ड बताए हैं, क्या वर्ड बताए, फ्यू, है ना, क्या बताए, इतना कम, कम की कुछ भी नहीं हो, है ना. और अ फ्यू की थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब होता है जितना है उतना पूरा के पूरा, है ना. उतना सारा का सारा, गॉट इट. हाँ, अब इसमें कुछ स्टोन्स हैं, बिल्कुल थोड़े से, ठीक है ना. अब इसमें कुछ फ्यू हैं, अ फ्यू है, ठीक है ना. और अब ये जितने हैं उतने सारे के सारे, ऑल, सारे के सारे, ठीक है ना. इसलिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं. हाँ, तो फ्यू लगाएंगे जब बहुत थोड़ा, इतना कम हो कि जिसको हम काउंट में नहीं आ सके, कि नहीं के बराबर है, है ना. देर वर फ्यू पीपल इन द पार्टी, यानी पार्टी में इतने कम लोग थे जिसको काउंट का मतलब ही नहीं हो. देर वर अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग थे पार्टी में. और द फ्यू पीपल इन द पार्टी वर डांसिंग, यानी कि जितने भी लोग पार्टी में थे सारे के सारे. द फ्यू पीपल का मतलब, द का मतलब, द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं वो सारे के सारे. द फ्यू पीपल इन द पार्टी वर डांसिंग, जितने के जितने लोग थे वो सबके सब क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे. गॉट इट. तो ये यूज करते हैं हम लोग. हाँ,
द टीचर आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चन, हाँ टीचर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, यानी कि थोड़े पूछे. अ फ्यू पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंच, है ना, आर सिटिंग, आई एन जी लगाओ राजनंदिनी, आर सिटिंग ऑन द बेंच, है ना. और द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी नंबर बट ऑल दैट आर यू, जितने हैं उतने पूरे के पूरे, जितना है उतना पूरा के पूरा, है ना. द फ्यू बुक्स ही हैड ऑल बर्नट इन फायर, यानी कि पास उसके पास जितनी की बुक्स थी वो सारी की सारी आग में जल गई, ठीक है ना, तो सारी की सारी खराब हो गई. द फ्यू वर्ड्स दैट शी स्पोक आर डीपली इनग्रेन इन माई हेड, तो वो जिसने जितने शब्द बोले थे वो सारे के सारे शब्द मैंने अपना लिए, उनको मैंने जान लिया, ठीक है ना. हाँ, जैसे आप द फ्यू एग्जाम्पल सर हैज गिवन, ठीक है ना, तो द फ्यू एग्जाम्पल सर हैज गिवन आर इंपॉर्टेंट, यानी कि सर ने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यू. इसी तरह से आ रहा है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. अब लिटिल का यूसेज किस में आता है, अनकाउंटेबल में आता है, ये ध्यान रखना. अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे जिसको आप गिन नहीं सकते, वाटर, वुड, है ना, हैप्पीनेस, ब्यूटी, इन सबको आप अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं. तो लिटिल का मतलब भी होता है बहुत थोड़ा, बहुत कम, इतना कम कि काउंट ही ना हो, है ना, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में, ऑलमोस्ट नथिंग, क्या बता रहा, ऑलमोस्ट नथिंग और नेगेटिव सेंस में. तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, वाटर क्या हुआ, अनकाउंटेबल कैटेगरी हुई, ठीक है ना. तो देयर इज लिटिल वाटर, यानी कि पॉट में इतना कम पानी है, इतना कम पानी है कि, तो ये क्या हुआ, ये लिटिल वाटर, बिल्कुल कम. क्या आप पी सकते हो पानी, नहीं पी सकते, तो वो लिटिल वाटर हुआ, ठीक है, जिसको आप पी भी नहीं सकते. पानी तो है लेकिन इतना कम है, कुछ बूंदे हैं, इतनी से इतना सा पानी कि आप पी नहीं सकते, तो वो क्या हुआ, लिटिल वाटर हुआ, ठीक है ना. और अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है, लेस इन अमाउंट, कम मात्रा में. जैसे अगर अब ये पॉट है आपके पास में, अब आपके पास में इसमें इतना इतना पानी है, एटलीस्ट आप इस पानी को पी तो सकते हो, पी तो सकते हो, थोड़ा बहुत तो पी सकते हो, तो ये हो गया अ लिटिल, यानी कि थोड़ा सा है पानी. तो वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हमारे पास उसकी बचने की थोड़ी सी उम्मीद है. तो अब होप क्या हुआ, होप अनकाउंटेबल कैटेगरी हुआ, अनकाउंट, है ना. अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ी सी जानकारी भी हमारे लिए खतरा हो सकती है. तो लिटिल नॉलेज क्या, नॉलेज भी क्या हुआ, अनकाउंट है, गॉट इट. तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का हम यूज किस में करते हैं, अनकाउंट में करते हैं. तो द लिटिल लगा रहे कि जब जितना थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, ठीक है ना. अब जितना पानी है बॉटल में, जितना बॉटल में पानी है वो सारा का सारा मैं पी जाऊंगा, ठीक है ना. तो द लिटिल वॉटर इन द बॉटल, है ना, तो हम बोलो जितना पानी है वो सारा का सारा पी लिया जाएगा. हाँ, द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट दैट इज यूज, है ना, तो जितना है उतना पूरा के पूरा यूज होगा. द लिटिल वॉटर दैट वॉज इन द पॉट इवेपोरेटेड, तो यानी कि बॉटल में जितना पानी था वो सारा का सारा उड़ गया, ठीक है ना, तो हम द इसका यूसेज लगा रहे हैं. हाँ, गॉट इट. हाँ बेटा, पलक इसमें वॉज नहीं लग, वर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि आज की बात है ना. हाँ, इज कैंसल्ड टुडे, इज लगाते हैं, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है. हाँ, ये लगाना है हमें, इज लगाना है, ठीक है. हाँ, तो अब हमने क्या क्या चीज देखी थी, फ्यू, फ्यू लिटिल का मतलब क्या हुआ, बहुत कम, ठीक है ना. फिर अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा, ठीक है ना. और द फ्यू और द लिटिल का मतलब क्या हुआ, जितना थोड़ा है वो सारा का सारा,
गॉट इट, ये चीज ध्यान रखनी है। तो फ्यू और लिटिल क्या बताते हैं, बहुत कम के बारे में, इतना कि वह नहीं के बराबर हो। अ फ्यू अ लिटिल क्या बताते हैं, बहुत थोड़ा सा के लिए बताते हैं, यानी कि कुछ तो है हमारे पास में। द फ्यू और द लिटिल बताते हैं जितना भी थोड़ा सा है वो सारा का सारा है ना, कि विद द फ्यू मनी यू हैव गिव इट टू मी, जितना थोड़ा बहुत भी रुपया तुम्हारे पास में वो सारा का सारा मुझे दे दो, ठीक है ना। तो हमें इसका इसके लिए यूज करते हैं, ये चीज ध्यान कर रखनी है। हाँ चलो, हमारे एडजेक्टिव्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब क्वेश्चंस आंसर्स देना शुरू कर दो, ठीक है ना। हाँ नाउ, हाँ गिव द आंसर्स, क्लास ओवर होगी उससे पहले पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, कुछ तो हमारे पास में कुछ हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारी थी, हमारी एडजेक्टिव्स थे जिसको हम लोगों ने जाना पड़ा। तो ये देखो, द लिटिल वॉटर दैट वॉज इन द बॉटल, हाँ हाँ, I drank the little water in the bottle, तो यानी कि जितना भी थोड़ा पानी था वो सारा का सारा मैंने पी लिया, ठीक है ना, वो यूज करना। हाँ बट आई डोंट नो, आप इसके आंसर्स दो। द लिटिल मिल्क वॉज लेफ्ट टू ड्रिंक, हाँ। ड्यू टू हंगर द पुअर बेगर हैड बिकम वेरी, क्या लिखोगे, वेरी वीक, बिल्कुल सही, कमजोर हो गया है ना, भूख के मारे क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गया, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। The dash should not be proud of their wealth. Rich, poor, weak, needy. अब the के साथ क्या लगाओगे, बताया था आप लोगों को the के साथ में क्या यूज करोगे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके साथ में लगाओ। हमने अभी वर्ड देखे थे, सीखे थे हम लोगों ने, है ना, एडजेक्टिव वर्ड के साथ जब हम द आर्टिकल लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो यूज कैसे होता है, वो यूज होता है किस तरह से यूज होगा, वो यूज होगा कैसे, वो है ना काउंटेबल्स की तरह यूज होगा। वेरी गुड, रिच रिच रिच, द रिच है ना, द रिच शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वेल्थ, अमीर लोगों को अपनी रुपया पे घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रीटा विल नॉट बाय डैश बुक, दीज दोज सम या दिस, क्या लगाओगे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ, इसका आंसर दो। अब कौन लगाएगा इसके लिए, रीटा विल नॉट बाय डैश बुक। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। काव्या कुमुद वेरी गुड, हाँ। आयुष राज वेरी गुड, हाँ। कुशवाहा वेरी गुड बेटा, दिनेश प्रताप वेरी गुड बेटा, मनीष शर्मा वेरी गुड बेटा, हाँ। ध्रुव वेरी गुड, हाँ। आरव ठाकुर वेरी गुड, हाँ। बेटा बुक एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगता है, दिस लगेगा, ठीक है ना। बहुत सारी होती तब दीज या दोज में से कुछ आता, कंफ्यूजन पड़ जाता तब दीज या दोज क्या लगाओगे, अभी तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आपके पास में एक ही है, है ना। देर वॉज डैश मिल्क इन द ग्लास, अभी आपको बताया था उसमें से क्या लगाओगे, और मिल्क कौन सा अनकाउंट की कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से देखो, मैनी अ लिटिल ईच अ फ्यू, अभी आपको पढ़ाया मैंने, जस्ट क्वेश्चन भी आ गया साथ साथ में, तो क्वेश्चन का आंसर भी दे दो कैसे बनाओगे। दस लगेगा बेटा, क्योंकि वो सिंगुलर की बात हो रही है ना, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बेटा गलती कर दी ध्रुव, गलती कर दी ना आपने जल्दीबाजी के चक्कर में, पहले देखो अनकाउंटेबल की कैटेगरी आ रही है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी को देखो। बेटा दिस बुक है सार्थक, बुक्स नहीं लिखना, बुक्स लिखोगे तो फिर दीज और दोज दोनों आ सकते हैं। वेरी गुड, बी है ना, क्या होएगा, बी अ लिटिल, क्योंकि क्या हो रहा है, मिल्क अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा है, यानी कि थोड़ा सा दूध है, कि ग्लास में कितना है? थोड़ा दूध है जितना अपन पी सकते हैं, है ना, इतना यूज अ लिटिल बताते हैं, क्या बताता है, जो थोड़ा सा हो। डैश द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द, है ना, हाँ बिहाइंड द रॉक, ये साथ में ही है, ये साथ में ही है, ठीक है ना, स्पेस आ रखा है, कुछ नहीं। द डैश Dash the soldiers hide behind the rock, yep, a rock है ना, तो few, many, all, each, हाँ very good।
ऑल 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 सही है, ऑल का यूसेज, ऑल द सोल्जर्स लगाओगे, सारे के सारे जो सैनिक थे वो पत्थर की भी चट्टान की भी छुप गए, तो ऑल द सोल्जर्स है ना, प्लूरल आ रहा है, तो ऑल द सोल्जर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑल द सोल्जर्स. द डैश मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन. तो अब वापस से आपके पास में आ गया अनकाउंट, क्या लगाओगे, और द लगा रखा है, जितना भी पैसा था उतना सारा का सारा उसने पैसा खर्च कर दिया. अभी आपको मैंने सिखाया है लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू है ना, क्या लगाओगे बता दो साथ साथ में. क्या लगा रहे हो, नहीं बेटा अभी 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 आपको पढ़ाया है मैंने, उसके बाद भी गड़बड़ करोगे, और अनकाउंटेबल बता रहा हूं बार बार, तो भी गड़बड़ी कर रहे हो. अनकाउंटेबल की कैटेगरी बताइए बेटा, अनकाउंट में समझ जाओ ना क्या बता रहे हैं सर, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो. अनकाउंट बता रहा हूं मैं, अनकाउंटेबल के अंदर लिटिल बताया था, द लिटिल द, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, द लिटिल मनी यू हैव गिव इट टू मी, जितना भी पैसा रुपया रखा है सब मेरे को दे दो, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना आप लोगों को, तो क्यों भूल जाते हो. तो द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन, जितना भी पैसा था वो सब उसके एजुकेशन पे खर्च कर दिया गया. अमिता इज एज डैश एज हर सिस्टर, बताओ क्या लगाओगे. क्या यूज करोगे. नहीं अब एज और एज दिखाया तो क्यों भूल जाते हो, एज और एज बता, इतनी बार पढ़ा दिया उसके बावजूद भी गड़बड़ी कर रहे हो. एज और एज बता तो दिया है मैंने आपको. तो अमिता इज एज टॉल एज, पॉजिटिव डिग्री आएगी ना, एज और एज के बीच में क्या लगाते हो, पॉजिटिव डिग्री. अभी क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था, तो भी गड़बड़ करनी है, तो भी टॉलर लिखना, टॉलर क्यों लिखोगे, एज और एज बता दिया, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी दिखा रहा है इसके बारे में, पॉजिटिव डिग्री लगानी है. हाँ दे वर द डैश ऑफ ऑल द सोल्जर्स है ना, द आर्टिकल लग रहा है, आप क्या लगाओगे बताओ. ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट वेरी ब्रेव. हाँ वेरी गुड. क्या लगाओगे. और क्लिक ऑन द लाइक बटन, लाइक बटन में क्लिक करते रहो फटाफट से साथ साथ में. इज द लग रहा है तो ब्रेवेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री क्या लगाओगे, सुपरलेटिव एसडी, सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे. द आर्टिकल लगा दिया, बता दिया आप लोगों को, तो ये यूज करना चाहिए, भूला मत करो. हाँ कहां से आएगा बेटा द आर्टिकल, आर्टिकल हर चीज एक 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 चीज बता दो तो भूल क्यों जाते हो, क्यों नहीं यूज करते हो. ब्रेव कहां से आएगा बेटा, ब्रेव तो क्या, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है. तो अब ये द, दे वर दी ब्रेवेस्ट है ना ऑफ ऑल द सोल्जर्स, तो ब्रेवेस्ट आएगा, द आर्टिकल लग रहा है, उसको क्यों भूल जाते हो. चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, जय हिंद. सौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर. सौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है. सौर्य भारत लेके आया अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल ब्रिटिश स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में. तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए सौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित. जय हिंद जय भारत. Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, FTAS and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections
of more than 5,500 students, we sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities as a dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps to prepare a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है, एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन है।